राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मराठी फिल्म कोर्ट में नारायण कांबले की अहम भूमिका निभाने वाले एक्टर वीरा साथीदार का कोरोना संक्रमण से नागपुर के एम्स अस्पताल में सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात निधन हो गया। वीरा साथीदार को कोरोना पॉजिटिव होने के चलते पिछले हफ्ते अस्पताल में दाखिल कराया गया था। कोर्ट फिल्म के निर्देशक चैतन्य तामहाड़े ने फोन पर बात करते हुए कहा, मुझे कोरोना से उनके निधन की खबर कुछ देर पहले ही मिली। ये खबर सुनने के बाद मैं स्तब्ध हूँ और मेरे लिए इस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। साथीदार जी एक बेहद अच्छे इंसान थे और मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे कोर्ट में उनके साथ काम करने का अवसर मिला। नारायण कांबले की पहचान एक एक्टर के अलावा एक लेखक, कवि, विचारक, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार के तौर पर भी थी। उनका बचपन बेहद कठिनाइयों में गुजरा। मूल रूप से वर्धा जिले से ताल्लुक रखने वाले वीरा साथीदार का बचपन नागपुर के जोगी नगर झोपट्टी में गुजरा। उनके पिता एक कुली के तौर पर काम किया करते थे तो माँ तरह तरह की मजदूरी किया करती थी। वीरा साथीदार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा से बेहद प्रभावित थे। ऐसे में उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्ग के उत्थान और उनकी चेतना को जगाने के लिए कई गीत लिखे और गाए भी। वीरा साथीदार ने दलित चेतना से संबंधित पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। गौरतलब है कि 2015 में रिलीज हुई फिल्म कोर्ट को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजे जाने के अलावा विदेशी भाषा की फिल्म श्रेणी में भारत की ओर से ऑस्कर के नामांकन के लिए भी भेजा गया था।